हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आप सभी को ईद मुबारक मेरी तरफ से। तो गाइस, इसी खुशी में मैं आज बना रही हूँ खीर और पूरी, क्योंकि आज ईद है। तो गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 6, तो मैं आज यही बना रही हूँ। तो गाइस, इधर टीवी में गाने भी चल रहे हैं और गाने सुन सुन के मैं इधर बना रही हूँ, क्योंकि आज मैं अपने रूम में अकेले हूँ, क्योंकि दोनों बच्चे चले गए हैं अभी पार्क घूमने के लिए। तो गाइस, इधर मैंने कढ़ाया है, अभी पतीले में चढ़ा दिया है खीर बनने के लिए, और मैंने इधर आटा गूंद के भी रख लिया है। अभी जाऊंगी थोड़ी देर बाद, पूरी बनाऊंगी। तो मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट को काट लिया है। तो गाइस, दूध का सारा मलाई इसमें लग गया और कुछ इधर लगा और इधर दूध पकड़ा। तो गाइस, फाइनली मेरा खीर पक चुका है। अब मैं इसमें चीनी डालने जा रही हूँ। तो गाइस, इतना चीनी काफ़ी होगा मेरे अंदाज से, फिर भी ज़्यादा मीठा। तो गाइस, लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया था। तो गाइस, इससे ना खुशबू और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो गाइस, पूरी बनाने में ना बहुत ही दिक्कत होता है, इसलिए मैं रोटी की तरह बेल लेती हूँ, फिर उसको काट के फिर आराम से छान लेती हूँ, क्योंकि अकेले बनाना पड़ता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो ऐसे फटाफट बन जाता है, तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ, समोसे की तरह। तो गाइस, अंशिका अंश पार्क से आ गए हैं और अंश खा रहा है तरबूज और अंशिका खा रही है पूरी। तो गाइस, अंशिका भी पानी का बोतल भी लेके गई थी पार्क में, तो अभी तक इसने टांगा हुआ है। मज़ा आया पार्क में? हाँ। कितना आया? उसने है ना और नहीं खिलाई है। अच्छा। गाइस, फाइनली मेरा खीर और पूरी बन चुका है, अभी मैं जा रही हूँ खाने के लिए। तो गाइस, ये है अगले दिन का व्लॉग, क्योंकि उस दिन कुछ नया हुआ ही नहीं कि जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, तो मैंने खीर पूरी दिखा कर वहीं पर छोड़ दिया था। तो गाइस, वो वाला व्लॉग मुझे कल ही डालना था, मैं इतनी आलसी हो गई हूँ ना, कुछ करने का मन ही नहीं करता। वीडियो को एडिट भी नहीं किया और डाला भी नहीं, बहुत ही वो हो गई, पर आज डालना पड़ेगा इस ब्लॉग को। तो गाइस, अंशिका सो रही है। तो गाइस, हमारे इधर ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, इतनी तेज़ गर्मी है ना, तो देखो पर्दे से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा धूप कैसे आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है इस साइड से भी। अभी मैं थोड़ी देर पहले कुछ टाइम के लिए सो गई थी, सोने के बाद अंशिका भी सो गई है, अंश को भी सोने के लिए कहा पर वो नहीं सोया, तो अंश नहीं सोया। तो गाइस, सुबह मैंने धूपबत्ती जलाया था, तो उसका यहाँ देखो उसने क्या किया है, और इधर पानी भी गिरा दिया। तो गाइस, मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ अपना मंदिर और रूम को हमेशा साफ रखूँ, तो मेरे बच्चे इतने बदमाश हैं ना कुछ करते ही रहते हैं। मंदिर का मैंने कपड़ा भी ख़राब कर दिया। तो गाइस, आप लोग सोचते होंगे कि मेरे मंदिर में खाली एक ही कपड़ा बिछा रहता है, ये रेड कलर का। तो गाइस, ये वाले कपड़े ना मेरे पास कम से कम 3 या 4 होंगे, उसी को मैं धो के चेंज करती रहती हूँ, सिर्फ एक ही कलर का है, तो इसलिए आपको दिखता। तो गाइस, मैं करती हूँ इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। अगर मेरे चैनल में आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।